आज हम बनाने वाले हैं ककोड़े की सब्जी। और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है और बिल्कुल सरल तरीका बताएंगे आपको बनाने का। और ये सब्जी ना बरसात के मौसम में ही मिलती है, तो चलते हैं इसकी तैयारी करते हैं और बना के आपको दिखाएंगे किस तरीके से बनाई जाती है। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। हेलो गाइस, सम्राट शाक पार्टी बेबी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं ककोड़े की सब्जी। और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये ककोड़े ना बरसात के मौसम में ही मिलते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिए ये ककोड़े। इनको मैं छिलनी से छील दूँगी और इनको मैं चार भागों में काट लूँगी। जो इनके टाइट बीज है वो हम निकाल देंगे, जो मुलायम बीज है वो हम रहने देंगे। और यहाँ पे लिया है मैंने प्याज है, हरी मिर्च है, इनको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। तो ककोड़े को मैं छील के छिलनी से और इनके चार भाग बन तो ककोड़े को मैं साफ पानी से धुल के छिलनी से छील के इनके चार चार भागों में इनको काट ले रही हूँ। और आप अगर चार से छोटे और पीस भी बनाना चाहो तो और भी पीस बना सकते हो। और ककोड़े कुछ हम अलग तरीके से बनाना बताएंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो चलते हैं इसकी तैयारी करते हैं और आपको बना के दिखाते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैंने सारे ककोड़े काट लिए हैं चार भाग में। और जो टाइट बीज थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और जो कच्चे और मुलायम बीज थे वो मैंने रखे हैं इसी में। और प्याज और हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। इधर मैंने रख दी है गैस पर कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का ऑयल। ऑयल हो रहा है गरम, तो सबसे पहले मैं ककोड़े करेंगे फ्राई। तो ककोड़े डाल दे रही हूँ मैं कढ़ाई में, इनको स्लो मीडियम गैस पर इनको फ्राई करेंगे। तो ककोड़े हल्के से फ्राई हो गए हैं, मैं इनको बाहर निकाल ले रही हूँ कढ़ाई से। और जो कढ़ाई में ऑयल है वो हम निकालेंगे नहीं, इसी में हम ककोड़े को छोंकेंगे। तो अब डाल दे रही हूँ आधी चम्मच हींग और जीरा। जीरा अच्छे से भुन गया है। लेस अदरक और हरी मिर्च इनको भी अच्छे से भून ले रही हूँ। अदरक और हरी मिर्च अच्छे से भुन गई है। और अब मैं डाल दे रही हूँ प्याज, इसको भी अच्छे से भून ले रही हूँ। प्याज अच्छे से भुन गई है। और अब मैं डाल दे रही हूँ ककोड़े जो मैंने भून के रखे हैं। और अब मिला रही हूँ मैं इसमें मसाले, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, इनको अच्छे से मिला दे रही हूँ। लाल मिर्ची पाउडर आधी चम्मच, और एक चम्मच भर के डाला है मैंने पिसी हुई सौंफ। और नमक डाल दे रही हूँ मैं स्वाद अनुसार।
अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिला दे रही हूँ। तो मसाले सारे ककोड़े में अच्छे से भिग गए हैं। अब मैं इनको स्लो मीडियम गैस पे इनको पकाएंगे। अब इनको ढक दे रही हूँ। अब बीच वाच इनको चलाना भी पड़ेगा। तो देखिए गाइस, ककोड़े की रेसिपी बन चुकी है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। बिल्कुल भी जली नहीं है, बिल्कुल मैंने स्लो मीडियम गैस पर इसको बनाया है। अब मैं गैस को कर दे रही हूँ बंद। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ। ककोड़े की रेसिपी बन चुकी है। अगर बताने या बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें। और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस तरीके से बनाइए और खाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगती है खाने में।